नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत इस वक्त ठंड से ठिठुर रहा है। एक तरफ जहां सर्दी का सितम जारी है, तो दूसरी तरफ घने कोहरे ने लोगों की परेशानी को दुगना कर दिया है। इस वक्त केवल दिल्ली ही नहीं, नॉर्थ इंडिया के कई राज्यों में कोहरे ने अपना आतंक फैलाया हुआ है। दिल्ली वासियों की सुबह घने कोहरे के बीच हुई। कोहरा होने से विजिबिलिटी काफी कम रही, जिससे यातायात भी प्रभावित रहा। वाहनों की रफ्तार धीमी रही, वाहन चालकों को लाइट जलाकर चलना पड़ा। दिल्ली में पिछले चार दिन से लगातार न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे बना हुआ है। सफदरजंग वेधशाला ने न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। दिल्ली में बीते 28 साल का दूसरा सबसे ठंडा दिसंबर रहा है। इस साल दिल्ली में 5 दिन शीतलहर चली है। वहीं शीतलहर जैसी परिस्थितियां कुछ ज्यादा दिन देखी गईं। सर्दी और कोहरा ही नहीं, दिल्ली की हवा भी खराब होती जा रही है। सफर के अनुसार दिल्ली की हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। आज भी यहाँ के कई इलाकों में AQI 334 पहुँच गया है। दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अलग अलग इलाकों में रविवार सुबह मध्यम कोहरा देखा गया। तो वहीं दूसरी ओर अमृतसर, पटियाला, अम्बाला में 25 मीटर दृश्यता दर्ज की गई है। उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। पहाड़ों की बर्फबारी से मैदानी इलाकों में गलन बढ़ गई, वजह से रविवार से लेकर अगले 7-8 दिनों तक मौसम रहने वाला है। हिमाचल और कश्मीर में बर्फबारी जारी है, कई इलाकों में माइनस के नीचे पारा पहुंच गया है। तो वहीं कश्मीर में डल झील जम चुकी है और गलन भरी ठंड से लोगों को सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर में 40 दिन का सबसे ठंडा दौर चिल्ले कलावी चल रहा है, जिसने यहां के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। फिलहाल लोगों को सर्दी से राहत मिलती नहीं दिख रही है। स्काई मेट के मुताबिक दिल्ली में अगले 24 घंटे मौसम सर्द रहेगा, साथ ही ठंडी हवाएं भी चलेंगी और सर्दी बढ़ेगी। वहीं कई इलाकों में हल्की बारिश होने की भी संभावना है, जिससे सर्दी के साथ ही कोहरे की मार भी पड़ सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।